स्टेनर आज का हमारा टॉपिक है स्टेनर। स्टेनर दो प्रकार के होते हैं, मेटल स्टेनर और बास्केट स्टेनर। दो प्रकार के होते हैं, मेटल स्टेनर और बास्केट स्टेनर। मेटल स्टेनर होता है वो गन मेटल का बना होता है, एक बढ़िया टाइप का स्टेनर है, तो जिसके जिसकी लगभग जो उसके एक थ्रेडिंग फीमेल टाइप में कपलिंग होती है। इसका डाया 100 mm इसका डाया होता है। इसके इसको कसने और खोलने के लिए इसके चार लेग्स लगे हुए हैं। ये इसके लगभग 1200 इसके जो महीन अर्निंग टाइप चेन है इसकी लगभग काउंटिंग में समथिंग 1200 छिद्र होते हैं और ये इसके लेग्स होते हैं और इसका अंदर का इसका डाया होता है वो फीमेल थ्रेडिंग टाइप कपलिंग होती है। इसका अंदर का इसका डाया होता है 100 mm का। और दूसरा है बास्केट स्टैंडर्ड है वो एक बांस की या किसी बढ़िया लकड़ी का बारीक लकड़ी को बारीक बारीक उसकी कटिंग करके उसको बनाया जाता है। ये इस तरह से बास्केट स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ये टोपी नुमा लकड़ी का स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड को टाइट और फिट करने के लिए सेक्शन रिंच का प्रयोग किया जाता है। इसको फिट करने के लिए सेक्शन रिंच का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन रिंच दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कॉन्वेंशनल, एक रिंच होता है कॉन्वेंशनल और दो होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल और कॉन्वेंशनल दो टाइप के होते हैं। यूनिवर्सल कॉन्वेंशनल जो रिंच होता था वो एक पुराने टाइप का रिंच होता था, ठीक है, एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं पुराने टाइप का, जिसके एक लोहे का एक लंबे डंडे के ऊपर थोड़ा सा आगे से घुमाव दिया जाता था इस तरफ से, वो होता था कॉन्वेंशनल। और जो ये हमारे पास है ये है यूनिवर्सल, ये बढ़िया क्वालिटी का और हर टाइप की हर टाइप के सेक्शन में रिंच इसको मेल या इसको फीमेल को हर साइज के फीमेल स्टैंडर्ड को या सेक्शन को कसने के लिए ये प्राप्त है। इसके हर साइज को छोटा बड़े साइज को सबको इससे टाइट या यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग करते समय यूनिवर्सल का उपयोग करते समय एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका उपयोग हमेशा सही तरीके से किया जाए। अगर मान लीजिए हमने इस तरफ से इसको लगाया है और हम इसको इस तरफ से इसको टाइट करना है तो हमेशा इस तरफ से लगाएं, और अगर यूज करना है तो इस तरफ से लगाएं। अब मान लीजिए हमने इस तरफ से लगा ऐसे लगाया है और इस तरफ भी कसेंगे तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है, और इसको नुकसान हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा स्टैंडर्ड का टॉपिक। इसकी जो लंबाई है वो डेढ़ फीट, इसकी लंबाई होती है डेढ़ फीट। इसका उपयोग सेक्शन होल के अंतिम सिरे पे लगाया जाता है, जहां से पानी इसको उठाता है ताकि इसके अंदर जो हमारा पंप है उसमें कोई कचरा या कोई भी घास फूस वनस्पति वगैरह ना पहुंच पाए और पंप के इंपेलर को नुकसान होने से ये बचाता है। और इसको इसकी लंबाई से कम इसको डेढ़ गुना पानी के अंदर डुबो देना चाहिए। और जहां कई बार ऐसी स्थिति होती है हमारे पास कि उसमें कीचड़ वगैरह या जहां पे मतलब पानी का सोर्स कम है तो उसके इसको मेटल स्टैंडर्ड को लगाने के बाद इसके ऊपर बास्केट स्टैंडर्ड को लगा दिया जाता है ताकि प्रॉपरली सुरक्षा बना रहे, यानी मेटल स्टैंडर्ड का ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइट में आपका स्वागत है। हमारे ऐसी एक से एक बढ़िया ड्रिल फायर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइटर को सब्सक्राइब करें।